सर कल नामली क्षेत्र में एक मामला हुआ था गूगल ऐप को लेकर के, जो क्या मामला है वो और क्या कार्रवाई पुलिस ने की? इसमें एक व्यक्ति ने आवेदन दिया था कि एक धर्म विशेष का मंदिर है, उस पर गूगल मैप में उसको एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने उसको अलग तरीके से उसमें धर्म विशेष के जो धार्मिक स्थल है उसमें परिवर्तित कर दिया है। इस बात को लेकर उसने आवेदन दिया था, उसकी स्क्रीनशॉट और ये उपलब्ध करवाया था। उसके बाद में हम लोगों ने उसको जांच में लेकर उसमें पाया है और उसमें एक धारा 295(1) के अंतर्गत एक FIR पंजीबद्ध की है जिसमें आरोपी अरेस्टेड है और आगे की कार्रवाई विवेचनाधीन है। नाम क्या है सर आरोपी? आरोपी का नाम डिटेल में आपको फिर बाद में बता पाऊंगा, अभी जो प्राथमिक कार्रवाई जो हुई है वो मैंने आपको बता दी है। ये सब नामली थाना क्षेत्र के किस गांव में हुई? नामली थाना क्षेत्र का एक भदवासा करके गांव है, वहां का है मामला। ये भदवासा या पास का कोई गांव है, वहां की चीज है। अच्छा, इसमें पुलिस ने केवल इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है, कुछ गूगल वगैरह से भी कुछ चर्चा की? नहीं, अभी प्राथमिक तौर पे चूंकि वो ओपन एंडेड रहता है, उसमें कोई भी अपनी तरफ से उसको चेंज कर सकता है। बाकी फिर आगे हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये किसके द्वारा चेंज किया गया और उसके क्या रूल्स हैं, उस आधार पर जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। कल नामली क्षेत्र में एक मामला हुआ था गूगल ऐप को लेकर के, जो क्या मामला है वो और क्या कार्रवाई पुलिस ने की? इसमें एक व्यक्ति ने आवेदन दिया था कि एक धर्म विशेष का मंदिर है, उस पर गूगल मैप में उसको एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने उसको अलग तरीके से उसमें धर्म विशेष के जो धार्मिक स्थल है उसमें परिवर्तित कर दिया है। इस बात को लेकर उसने आवेदन दिया था, उसकी स्क्रीनशॉट और ये उपलब्ध करवाया था। उसके बाद में हम लोगों ने उसको जांच में लेकर उसमें पाया है और उसमें एक धारा 295(1) के अंतर्गत एक FIR पंजीबद्ध की है जिसमें आरोपी अरेस्टेड है और आगे की कार्रवाई विवेचनाधीन है। नाम क्या है सर आरोपी? आरोपी का नाम डिटेल में आपको फिर बाद में बता पाऊंगा, अभी जो प्राथमिक कार्रवाई जो हुई है वो मैंने आपको बता दी है। ये सब नामली थाना क्षेत्र के किस गांव में हुई? नामली थाना क्षेत्र का एक भदवासा करके गांव है, वहां का है मामला। ये भदवासा या पास का कोई गांव है, वहां की चीज है। अच्छा, इसमें पुलिस ने केवल इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है, कुछ गूगल वगैरह से भी कुछ चर्चा की? नहीं, अभी प्राथमिक तौर पे चूंकि वो ओपन एंडेड रहता है, उसमें कोई भी अपनी तरफ से उसको चेंज कर सकता है। बाकी फिर आगे हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये किसके द्वारा चेंज किया गया और उसके क्या रूल्स हैं, उस आधार पर जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं।